नागपंचमी के शुभ अवसर पर दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे एवं अंतिम दिन गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन में गोरखपुर केसरी की उपाधि अमरनाथ यादव रेलवे, गोरखपुर कुमार की उपाधि जनार्दन यादव एवं वीर अभिमन्यु की उपाधि सुरेंद्र यादव ने जीता। विजेता पहलवान को गोरखपीठाधीश्वर के प्रतिनिधि तथा गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के द्वारा नगद धनराशि तथा गदा देकर सम्मानित किया गया। मंच से विजेता पहलवानों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, कार्यक्रम संयोजक दिनेश सिंह, नगर विधायक डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, गोरखनाथ मंदिर सचिव द्वारिका तिवारी, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी अरुणेश शाही, जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष हरीश सिंह ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता में पहलवानों के उत्साहवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर प्रभारी मोतीलाल सिंह, पहलवान माया शंकर शुक्ल, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान प्रणयलाल यादव अभिषेक सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय सिंह, उत्तर प्रदेश केसरी यश भारती से सम्मानित जनार्दन सिंह यादव, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हरे राम यादव, लालजी सिंह, चेचाई राम के महंत पंचानन पुरी, शत्रुधन राय गिरधारी, रमाकांत, अनीश यादव, मार्कंडे तिवारी, मुनीश यादव, पंकज, जितेंद्र, ओंकार, वीरेंद्र रमानंद, कोच श्याम पाल, संदीप कुमार उपस्थित रहे। आज कुश्ती जो नागपंचमी के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष कुश्ती का आयोजन होता है, उसका आज फाइनल था, तो सेमीफाइनल, फाइनल और क्वार्टर फाइनल हुआ। उसमें गोरखपुर केसरी की उपाधि अमरनाथ यादव को मिली, जो रेलवे में कार्यरत है और विगत दो वर्षों से ये गोरखपुर केसरी होते आए हैं। पिछले साल ये राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में भी भारत का नेतृत्व कर चुके हैं। अपने वजन में 84 किलो वजन में ये राष्ट्रीय सिल्वर मेडल पदक के विजेता रह चुके हैं। इसके अलावा द्वितीय स्थान विजेंद्र पाल को मिला, गोरखपुर कुमार जनार्दन यादव को मिला कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश संचालित कुश्ती हॉस्टल का छात्र है, और इसमें उप विजेता भी आयुष, वो भी उत्तर प्रदेश कुश्ती हॉस्टल का छात्र है। गोरखपुर वीर अभिमन्यु को खिताब सुरेंद्र यादव को मिला, ये भी गोरखपुर कुश्ती हॉस्टल का छात्र है, और इसमें उप विजेता रहे विनय बलियान जो स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का छात्र है। पुरस्कार वितरण के लिए डॉक्टर यूपी सिंह, महाराणा प्रताप छात्र परिषद के अध्यक्ष, माननीय विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, नगर विधायक गोरखपुर, माननीय विधायक विपिन सिंह, गोरखपुर ग्रामीण विधायक, कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री अरुणेश शाही जी, हॉकी संघ के अध्यक्ष माननीय हरीश जी, इन लोगों के सहयोग से भारी भीड़ थी और जनता में बड़ा उत्साह था। इतनी बढ़िया कुश्ती देखने के लिए सब लोग बड़ी भारी भीड़ में यहाँ एकत्रित हुए थे, और गोरखपीठाधीश्वर के निर्देशन में उनके आदेशानुसार सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ।